एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं प्रिया आपको अपने यूट्यूब चैनल इट्स प्रिया में स्वागत करती हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरे माता रानी हैं, जिनका रोज़ मैं पूजा भी कर रही हूँ, नवरात्रा चल रहा है। तो और यहाँ पर मैं अपने गैस चूल्हा वगैरह रखी हूँ, बर्तन रखी हूँ, जो जिसमें मैं अपना फलहारी बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, दूध गर्म करती हूँ। तो अभी ये सब बर्तन को ले जाकर किचन में रख दूंगी, क्योंकि धोना है। रात में कल मैं धोई नहीं थी, रात में थकावट जैसा हो गया था तो मैं सो गई थी। कल चाय वगैरह पी थी और जो भी फलहारी का बनाई थी, कल मैं फलहार में दूध के लली थी, तो वो सब भी बर्तन रखा हुआ। और अभी सबको मैं साफ़ कर दूंगी। तो उससे पहले मैं सोची झाड़ू लगा लेती हूँ, तो यहाँ ला के बर्तन धोकर रखने में आसानी रहेगा। और देखिए ये दातुन है, जिससे मैं अभी दांत साफ़ करती हूँ, क्योंकि व्रत में ब्रश नहीं करती, नवरात्रा के व्रत हो या कोई भी व्रत हो, मैं उसमें दातुन से ही अपने दांत को साफ करती हूँ। इसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो इसको दतमन बोलती हूँ। और इसी से आजकल मैं अपने मुंह को साफ करती हूँ रोज़ सुबह सुबह। और देखिए यहाँ पर केला रखा हुआ है, क्योंकि मैं यहीं पर प्लास्टिक में ही केला और जो भी फ्रूट रहता है रखती हूँ। और इसमें से दो केला सड़ गया तो उसको मैं निकाल दी। और फ्रिज में मैं नहीं रखती हूँ, फ्रिज तो नवरात्रा शुरू होने से पहले साफ़ कर दी थी, लेकिन उसमें अभी भी सब्जी वगैरह रखती हूँ, नमकीन चीज़ें। तो मैं अपना जो भी फलहार का होता है वो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, इधर बाहर ही रखती हूँ, कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। और वो सबको मैं कचरा में डाल दी जो दो केला सड़ गया था। और अभी झाड़ू लगा लूँगी, तो हाथ धोकर मैं आ गई। और ये देखिए पूजा का बर्तन भी धोना है, तो इसको भी अभी धो लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा सब चीज़ साइड से कर दूँगी, ताकि झाड़ू लगाने में आसानी हो। और ये एक बेडशीट है, इसी पर बैठ कर मैं पाठ करती हूँ, तो इसको भी अच्छे से फोल्ड कर दी, झाड़ वगैरह दी अच्छे से। अब झाड़ू लगा लूँगी पूरे रूम में। तो पहले मैं फ़ैन बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरा फ़ैन चल रहा था, गर्मी है ना, तो अभी फ़ैन को बंद कर दी। और अब पूरे रूम में झाड़ू लगा लूंगी। तो आज मेरा क्लीनिंग का ब्लॉग है। मैं सोची कि जो मैं सुबह में इस रूम में पूजा के समय अभी साफ़ सुथरा करती हूँ, उसका ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसीलिए आज मैं ब्लॉग बनाई हूँ। तो मेरे ब्लॉग को अंत तक देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और इस रूम में ही केवल झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि बाकी घर का झाड़ू पोछा तो मेड आके सुबह ही करके चली गई। और नाश्ता वगैरह के बर्तन भी धो दिए है, क्योंकि मैं आपसे बताई ना कि मैं मेड रखी हूँ इधर एक दो दिन से, तो वही सारा काम सुबह सुबह ही करके चली जाती है, तो थोड़ा सा आसान भी लगता है अभी। तो मैं इस रूम में देखिए मेरा झाड़ू लग गया, और साथ में थोड़ा सा बाहर तक भी लगा दूँगी, ताकि अच्छे से झाड़ू लग जाए, कहीं कुछ पैर में ना लगे, क्योंकि झाड़ू ठीक से नहीं लगता और पैर में अगर कुछ चुभता है तो अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर गैस चूल्हा भी साफ कर लूँगी। और यहाँ पर गैस चूल्हा जब साफ़ हो गया तो मैं अभी बर्तन धो लूँगी। और बर्तन धोने से पहले एक कपड़ा को यहीं पर धो लेती हूँ किचन में, जिस कपड़ा से गैस को साफ़ की थी, तो उसको धो दी और जाके बालकनी में डाल आई हूँ। और अभी सब बर्तन धो लूँगी, ये सब जो लेकर आई हूँ फलहार वाला वो सब। तो और मेरा सुबह का सब नाश्ता वगैरह बन गया है। मयंक के पापा ऑफिस चले गए नाश्ता लेकर, और मयंक का भी नाश्ता हो गया है, सब लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है, क्योंकि वो सब काम करने के बाद ही मैं इधर लगती हूँ पूजा वाला काम में। तो वही अभी ये सब बर्तन धो लूँगी और पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। देखिए मेरा बर्तन धुल गया है यहाँ पर, तो अभी सबको ले जाकर उसी रूम में गैस के पास रख दूंगी, क्योंकि मैं ये वाला बर्तन को साफ ही अलग रखती हूँ, किचन में रखती भी नहीं हूँ, धोकर भी लाकर इधर रख देती हूँ।
तो अभी इसको इधर रख दूंगी थोड़ा सा पलट पलट के, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी है इसमें तो निकल जाएगा, तो पोछा लगाऊंगी तो साफ़ हो जाएगा। और देखिए फिर मैं पूजा के बर्तन भी धो ली, और अभी नहाने के बाद केवल इसको पानी से धोना रहेगा, क्योंकि अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और उसको भी लाकर पलट के रख दी हूँ। और देखिए यहाँ पर जब माता रानी के जो टेबल है उसके नीचे मैं झाड़ू से नहीं लगाती हूँ, वहाँ पर मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और यहाँ पर का जो भी थोड़ा बहुत कचरा है जो पूजा करते हैं उस समय का, तो उसको मैं एक पन्नी में उठा कर रख दूँगी। तो वही सब काम यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर भी साफ़ सुथरा हो गया, तो अभी मैं पोछा लगा लूँगी पूरे रूम में। और अगर कहीं कुछ गलती हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है ये सब बारे में, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ गलती हो गया है, सही नहीं कर रही हूँ, तो बताइएगा आप लोग भी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, रोज़ हाथ से ही लगाती हूँ, मॉप से नहीं या वाइपर से नहीं, क्योंकि मुझे हाथ से ही लगाना अच्छा लगता है पूजा के जगह पर, तो इसीलिए मैं हाथ से लगाती हूँ। और कभी पैर पर से बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि पैर पर से अच्छा से पोछा नहीं लगता, पैर दर्द देने लगता, तो कभी मैं बैठ कर भी घिस घिस कर पोछा लगाती हूँ। अरे यहाँ पर सारे बर्तन जो मैं धोकर लाई थी उसको गैस पर रख दूँगी, और ये सब जो फ्रूट का प्लास्टिक है उसको भी मैं हटा कर और पोछा लगाऊँगी, सब चीज़ हटा हटा कर अच्छे से पोछा लगा दूँगी। सब हाउसवाइफ ऐसे ही काम करती है, हम लोग का घर वगैरह सब साफ़ सुथरा रहता है तो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग एक एक सामान को हटा हटा कर अच्छे से क्लीन करते हैं। यहाँ देखिए फिर मेरा पोछा भी लग गया पूरे रूम में, और मैं थोड़ा सा बाहर तक भी इसके सामने तक पोछा लगा लेती हूँ किचन के दरवाज़ा वगैरह पर। तो यहाँ मेरा सारा पोछा लग गया है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो एक बार मैं बैक कैमरा से आपको पूरा रूम का लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा गैस चूल्हा है, बर्तन है, सिलेंडर रखा हुआ है, और ये पूजा का नीचे में कुछ सामान है, घी कपूर और हुमाद वगैरह जो भी है टेबल के नीचे, जिस टेबल पर माता रानी को मैं रखी हूँ। और यहाँ पर मेरी माता रानी है, तो प्रणाम कर लीजिए आप लोग भी माता रानी को, और आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी से। और यहाँ पर मेरा लड़का का बेड है जो वो सोता है इस पर, और पढ़ाई लिखाई जो भी करना होता है करता है। तो ये है मेरा पूरा रूम जिसमें मैं माता रानी को रखी हूँ, और ये है माता रानी। हो गया सारा क्लीनिंग के काम पूजा घर का, तो मैं जा रही हूँ अब नहाने, अब नहा कर आऊँगी, फिर पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद चाय पानी पीऊँगी। और ये सब करते करते अभी टाइम हो रहा है, पता ना 9:30 हो रहा है या 10 हो रहा है, देखूँगी। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को अब कंटिन्यू नहीं करूँगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।